नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। खिलाड़ियों के सम्मान का समारोह आज पंचकुला में आयोजित किया गया है। सतपाल महाबली बजरंग पूनिया के पहलवान और संगीता फोगाट यहां पर हैं, बजरंग पूनिया हैं, उनसे बात करते हैं। बजरंग, जिस तरीके का आज का कार्यक्रम रहा, पहलवान गुरुजी आपके साथ हैं, कैसा लग रहा है? देख, बहुत अच्छा लग रहा है और गवर्नमेंट का भी धन्यवाद और गुरुजी का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। जब मैं मैच से पहले भी मुझे फ़ोन करके बताई थी कि भैया ऐसे लड़ना है इसके साथ ऐसे, क्योंकि गुरुजी को पता था इंजरी है और इंजरी के बाद परफॉर्म करना एक कोच ही समझ सकता है एक खिलाड़ी का। तो मैं बिल्कुल, मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आने वाली टूर्नामेंट्स में सोना हमारा, पूरी कोशिश रहेगी, उसके लिए मेहनत रहेगी और मैं यही विनती करूंगा आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। बिल्कुल, संगीता फोगाट है मेरे साथ। संगीता, आप इमोशनल दिखी जब ये घर पे आए थे, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि मुझे तो पता था कि इंजरी है और उस किस पेन से उन्होंने मतलब सेमीफाइनल बाउट और ब्रॉन्ज का निकाला, तो मेरे लिए तो मेडल काफ़ी, मतलब मैं तो इसको गोल्ड ही मानती हूँ। और अभी थोड़ा सा कमी रह गया है, देशवासियों का उम्मीद थी कि गोल्ड ले गए और आगे और मेहनत करेंगे और अच्छे से मोटिवेशन करके मेडल ले गए। आपको विश्वास है बजरंग पे सोना घर पे आएगा? जी बिल्कुल, पूरा पूरा विश्वास है। सतपाल महाबली हैं जो कि पहलवान हैं, देखते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सतपाल जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि जो रवि ने, बजरंग ने, दीपक ने और जो पूरे आज हरियाणा सरकार ने जो ये कार्यक्रम किया है, ऐसे कार्यक्रम होने से जो आने वाली जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसका एक सोच लो कि ऐसा माहौल बनता है। क्योंकि मेरा 1982 एशियन गेम में गोल्ड मेडल आया था, एक ही गोल्ड मेडल था एशियाड में, दिल्ली में। उसके बाद में भारत में कुश्ती का माहौल, खेलों का माहौल बढ़ा था। उसके बाद बीजिंग ओलंपिक में सुशील का मेडल आया था ब्राउन्ज, उस ब्राउन्ज ने विजेंद्र का, और उसका गोल्ड आया था शूटिंग में, तो वहाँ से माहौल बदला। तो आज मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ और साथ ही ये भी निवेदन करता हूँ कि जो हरियाणा, क्योंकि खेल स्कूल से उभरते हैं और स्कूल में जो फिजिकल टीचर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो ही सारी एक्टिविटी, एक फिजिकल टीचर वो सारे गेम बच्चों को खिलाता है। मैं ओलंपिक से जुड़े खिलाड़ियों की बात करूं, आपने किस किस पहलवान को जो है कोचिंग दी है? मैंने सुशील को दी है, योगेश्वर को दी है, बजरंग को दी है, दीपक को दी है, रवि को दी है और सुमित को दी है। करीबन 20 मेरे शिष्य हैं जो ओलंपियन हैं और 5 भी लगता है। जिस तरीके से इस बार खेल ले, लेकिन चूक गए थे, आगे गोल्ड आ जाएगा। हाँ नहीं, गोल्ड तो अब ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल 2024 में आएगा, एक नहीं 2024 में तो कम से कम 5 मेडल कुश्ती में आएंगे। अब के 2 आए हैं, एक दीपक का तो गले में से निकल गया 10 सेकंड पहले, तो उम्मीद यही कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, भारत में टैलेंट है इतना ही पूरे हरियाणा में है। यहाँ क्या है ना, बच्चों के अंदर एक कुश्ती की सोच लो कि सब कुछ है और उनकी जो खेलने की भावना है वो आउटस्टैंडिंग है। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो धांसू, बिल्कुल। बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया के गुरुजी पहलवान सतपाल महाबली मेरे साथ थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में मेरे से बात की। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमन।